नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट 7, सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन विथ आंसर हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61, स्ट्रेचर बॉन्ड केवल किससे संभव है? आंसर, स्ट्रेचर या पट्टी चाल में ईंट को लंबाई की दिशा में प्रयोग किया जाता है। यह चाल आधी ईंट की मोटी दीवार के लिए अपनाया जाता है। आधी ईंट मोटी दीवार, पर्दा दीवार, विभाजन दीवार, परिसर मुंडेर दीवार, स्नान गृह की दीवार व शौचालय की दीवार के लिए अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, दीवार के अग्रभाग के समांतर लंबाई में बिछाई गई ईंट को किस नाम से जाना जाता है? आंसर, दीवार के अग्रभाग पर समांतर लंबाई में प्रयोग की गई ईंट को स्ट्रेचर चाल के नाम से जाना जाता है। इसमें दीवार के रद्दे को सामने से देखने पर ईंटें अपनी लंबाई व मोटाई को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ईंट की राजगिरी का प्रकार जिसके हर माला में एक के बाद एक हेडर और स्ट्रेचर होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर, जब सामने से देखने पर दीवार के एक रद्दे में सभी हेडर तथा उसके ऊपर चलने वाले रद्दों में सभी स्ट्रेचर एकांतर रद्दा क्रम से दिखाई पड़े तो उसे अंग्रेजी चाल अर्थात इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हेडर बॉन्ड को सामान्यतः किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? आंसर, हेडर बॉन्ड जब सामने से देखने पर दीवार के रद्दे में रखी सभी ईंटों का माथा, चौड़ाई तथा मोटाई दिखाई पड़े तो उसे हेडर बॉन्ड कहते हैं। सामान्यतः यह एक ईंट की दीवार में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, किसी भी व्यास वाली छड़ का प्रति मीटर लंबाई का भार कैसे ज्ञात करोगे? आंसर, माना छड़ का व्यास डी 20 mm है। प्रति मीटर लंबाई के लिए छड़ का भार पाई बाई 4D स्क्वायर गुड़े 7850 kg होता है, तो इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 0.020 का होल स्क्वायर गुड़े 7850 kg इक्वल टू 2.472 kg। इसे हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 162। यह सूत्र है दोस्तों, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो डी बीस स्क्वायर जो सरिया का डाया है एमएम में अपॉन 162 इक्वल टू 2.470 kg आएगा। क्वेश्चन नंबर 66, 50 किलोग्राम वजन वाली एक बोरी सीमेंट का आयतन कितना होगा? आंसर, 50 किलोग्राम वाली एक बोरी सीमेंट का आयतन 0.0347 घन मीटर होता है तथा इसकी माप 40x35x25 सेंटीमीटर होती है, जिसका भार 50 kg होता है। बड़े कार्यों में सीमेंट का आदान प्रदान मीट्रिक टन में किया जाता है। एक टन में 20 बोरी सीमेंट लिया जाता है तथा एक घन मीटर में 1440 kg सीमेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 67, 1 m³ गीली कंक्रीट तैयार करने के लिए कितने घन मीटर सूखी सामग्री सीमेंट बालू और गिट्टी की आवश्यकता होगी? आंसर, 1 m³ गीली कंक्रीट तैयार करने के लिए 1.54 घन मीटर सूखी सामग्री सीमेंट बालू और गिट्टी की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 68, प्रति वर्ग मीटर ईंट के फर्श में चपटी ईंटों की संख्या कितनी होगी? आंसर, प्रति वर्ग मीटर ईंट के फर्श में चपटी ईंटों की संख्या 38 होती है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रति वर्ग मीटर के फर्श में खड़ी ईंटों की संख्या कितनी होगी? आंसर, प्रति वर्ग मीटर ईंट के फर्श में खड़ी ईंटों की संख्या
57 होती है। क्वेश्चन नंबर 70, दोस्तों वीडियो का यह आखिरी सवाल है, प्रश्न है, इस्पात का भार कितना केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। आंसर, इस्पात का भार 7850 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।